वी प्रोडक्शन टीम इज ऑल सेट फॉर द जर्नी ऑफ ट्राइबल ट्राइब। जोहार मालिक। जोहार जोहार। चलो मैं आपकी चाय पानी की व्यवस्था करता हूँ। जी ठीक है। देखा आपने कितना सुंदर, कितना मनोरम दृश्य। ऐसा नज़ारा क्या आपने कभी शहरों में देखा है? क्यों अक्सर हम अपने दिल को, अपनी आत्मा को सुकून देने के लिए हिल स्टेशंस या ग्रामीण इलाकों में आते हैं? क्योंकि हम शहरों में वो नहीं देख पाते, वो नहीं समझ पाते जो हमें यहाँ आकर समझ में आता है। हर तरफ हरियाली, पेड़ पौधे, खुली हवा। शहर की चकाचौंध और बड़ी बड़ी इमारतों ने हमसे ये सब छीन लिया है, और जब हमें इसकी ज़रूरत महसूस होती है तो हम ग्रामीण परिवेश में आकर खुद को सुकून देने की कोशिश करते हैं, खुद को जानने की कोशिश करते हैं, प्रकृति को महसूस करने की कोशिश करते हैं। ये प्रकृति है जो हमें सब कुछ देती है। जोहार। आदिवासी कबीलों के बारे में हमने बचपन में किताबों में सुना होगा, लेकिन आज हमें मौका मिला है आदिवासी कबीलों को, उनकी सभ्यता, उनकी संस्कृति को नजदीक से जानने का। हम सब जैसे इस कुदरत के इस नज़ारे से वंचित हैं, हमारा वो रिश्ता इनसे जुड़ ही नहीं पाया हो जैसे कभी। किधर? जब तक हम कुदरत के पास आकर इससे मिलेंगे नहीं, इसे देखेंगे नहीं, शायद हम कुदरत के साथ, प्रकृति के साथ अपना वो कनेक्शन बिठा नहीं पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। सही बात है। जो है ये बहुत नीचे आ गए, देख के लग रहा है कि अगर नीचे आने में हल्की सी गलती हो जाती तो नीचे ही चले जाते या फिर ऊपर। खैर बढ़ते हैं आगे। पहुंच गया मैं, चलें। जोहार। आप इसको गौर से देखिए, ये सीप है, सीप, और एक नहीं बहुत सारी सीप हैं यहाँ पे, और वो खुली हुई हैं। क्या बात है। और ये शंख हैं छोटे छोटे। अब इतनी दूर आ गए हैं नदी के पास तो नहा लिया जाए। आपका क्या इरादा है? अगर आप यहाँ होते नहीं नहाते? नहाते आई एम श्योर। आइए। वैसे भी मन तो कर रहा है कूद पड़ूं उस नदी में, लेकिन कम से कम मैं अभी यहाँ पे आया हूँ। मुझे मिले हैं, आपका शुभ नाम? नूतन कुमार आहारी। नूतन, आप यहीं रहते हैं? हाँ, हम यहीं रहते हैं। आप कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? हम आपको यहाँ की जो धरातलीय स्थिति है, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, हाँ, ये पानी भरा हुआ है। ये कडैणा जो डैम है, राजस्थान और गुजरात का सबसे बड़ा कडैणा, जो यहाँ के सिंचाई और पीने के लिए
यही सबसे बड़ा एक स्रोत है जो आसपास के एरियों में इसका पानी जाता है। या गुजरात में इसका पानी 70% गुजरात को दिया जाता है और 30% राजस्थान, जबकि इसका पूरा पानी है वो राजस्थान की सीमा में है, लेकिन जो डैम बना है वो गुजरात की सीमा में बना हुआ है। तो राजस्थान सरकार और गुजरात सरकार की एक संधि हुई थी जिसमें इसका 70% पानी है वो गुजरात सरकार लेती है और 30% होता है जो आसपास के इलाकों में। देखा कि कैसे इन लोगों के लिए ये पानी, ये ज़मीन और ये जंगल कितना महत्व रखता है, कितनी अहमियत रखता है कि कितनी भी स्थिति हो, कितना भी पानी भर जाए, कैसा भी माहौल हो, ये लोग कभी अपनी ज़मीन छोड़कर नहीं जाते, अपने इस नेटिव प्लेस को, अपनी इस जन्मस्थली को छोड़कर नहीं जाते। ये यहीं पे जैसे तैसे अपना बसर करते हैं, ये प्रकृति से इतना प्यार करते हैं, अपनी ज़मीन से इतना प्यार करते हैं कि इसके लिए ये यहीं पे रहते हैं, इसके लिए सब छोड़ सकते हैं लेकिन इस ज़मीन को, इस वातावरण को नहीं छोड़ सकते। तो अपन अगर इसके पास जाना चाहे तो नाव वगैरह की व्यवस्था नहीं होगी? हाँ, नाव वगैरह है तो अपन पहले इलाके में, तो अपन पहले ना, क्योंकि एक्चुअली बात ये रहती है। अरे रे 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 जय जोहार, जय जोहार, जय जोहार। ये हम आपको बताना चाहेंगे कि ये किस तरीके से रहते हैं। पहले तो हम ये देखें, ये जो मकान आप देख रहे हैं, झोपड़ी जो है, ये खजूर की डाली है। हाँ, ये खजूर की डाली से बने हुए मकान है इनके। और आप ये क्या पी रहे हैं? हुक्का। हुक्का एक बार क्या बात है आप भी पी रहे हैं? मैं पी सकता हूँ, टेस्ट कर सकता हूँ, बिल्कुल। इसे कौन? मैंने पहले कभी पिया नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा हड़ा रखना है। यूं अच्छा, ये और इसको क्या करना है? फूंक से खिसवाना, हाथ वाथ थोड़ी रखना है, यूं हाथ रखना, थोड़ा ऐसे ही रखना। ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं करूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि कैसे होता है। थोड़ा ये टेढ़ा रखना है, हाँ थोड़ा झुका। मैंने कर लिया और बहुत मज़ा भी आया मुझे, बस मैं और करना नहीं चाहता। ये आपका हुक्का, ये क्या है? ये कबला। आइए, अनाज डालना है। कितना प्यारा बनाया हुआ है, क्या बोलते हैं? कबला। कबला, कबला ये किस काम आता है? ये ना बड़ा अच्छा, अनाज डालने के लकड़ी का, अनाज डालने के लिए, अनाज डालने के लिए, मतलब अनाज को इसमें इकट्ठा किया जाता है, स्टोर किया जाता है इसमें। अच्छा, और वो सेफ रहता है? हाँ। कितने समय तक? अपना खाद नहीं है वो मटी जाए, वैसे फिर डाई भी देता है, ले लो उनमें तो भी एक दो साल आराम से इसमें कोई। एक दो साल तक है? कमाल है, कमाल है। ये सब कुदरत की चीज़ें हैं, कोई नेचुरल है सब कुछ। और उसमें आप देखिए कि साल भर तक कम से कम अगर अनाज सेफ रहता है, सुरक्षित रहता है, तो ये कमाल की बात है अपने आप में। हम आपका घर देखना चाहते हैं कि क्या है, किस तरीके से। आइए, क्या बात है, ये देखिए आप किस तरीके से ये मकान बने हुए हैं। ये बांस हैं, थोड़ा आगे आ जाओ सर। और बांस वाह, मजा आ गया, मजा आ गया। और अब हम आ गए हैं माही नदी पर। ये वही नदी है जो राजस्थान और गुजरात को जोड़ती है। इसका 70% पानी गुजरात को जाता है और 30% पानी राजस्थान को आता है। अब हम चढ़ गए हैं बोट पर, बहुत ही ध्यान से बैठना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो मैं गिर जाऊं, लेकिन मेरे साथी मुझे संभाल रहे हैं। अरे
ये बच्चे तो बेखौफ बैठे हैं। ऊंचाई से देखने पर इस नदी का नजारा ही अलग है। महुआ नूतन जी, ये महुआ का वृक्ष है। वाई दिस इज सो इम्पोर्टेंट फॉर यू? मतलब आई हैव हर्ड दैट यू कॉल इट कल्प वृक्ष, आप इसे कल्प वृक्ष कहते हैं, ये जरा बताएंगे मुझे? सबसे पहले तो वी प्रोडक्शन टीम को जोहार जोहार जोहार। ये हमारे आदिवासी इलाके में यानी देश के किसी भी इलाके में ये पेड़ पाया जाता है पहली बात तो, और ये महुआ का पेड़ है। महुआ जिसको हम यहाँ पे ही नहीं देश की सभी जगह जो आदिवासी रहता है वहाँ उनके लिए कल्पवृक्ष कर। अच्छा, कल्पवृक्ष ही क्यों? कल्पवृक्ष इसलिए कि ये हमारे लिए हर चीज़ हर तरफ से, इनका फूल से लगा से पत्ती से लगा के इसकी जड़ इतना हर चीज़ हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसका हर चीज़ का हम इस्तेमाल करते हैं, ज़रूरत के अनुसार ये हमको खाना भी देते हैं, ज़रूरत के अनुसार चाव भी मिलती है, घर बनाने के लिए लकड़ी भी के लिए इस्तेमाल भी होती है। इनकी जो बीज होते हैं, बीज जो कच्चे होते हैं इसके ऊपर फल लगता है, उस फल की हम सब्जी भी बनाते हैं, और इसके बाद इसके जो फूल लगते हैं पहले फूल लगने के बाद बीज लगते हैं। पहले फूल लगते हैं, जो फूल होते हैं ना उस फूल को हम सुखा के रखते हैं। वो फूल हमारे अलग अलग तरीके से काम आते हैं, कभी खाने के रूप में भी आते हैं, कभी इसको हम पेय पदार्थ जैसे हमारे यहाँ पे बनाते हैं हम, जैसे महुड़ी बोलते हैं, उससे महुड़ी बनती है। महुड़ी बनती है इससे, जो बिल्कुल पहला विश्व यानी देश यानी संसार का ऐसा पहला कोई पेय पदार्थ होगा जो सिर्फ फूलों से बनता है। इसमें ना तो कोई केमिकल होता है, ना कोई पेस्टिसाइड होता है, बिल्कुल शुद्ध इसके फूलों के रस से ही बनाया जाता है। इसको हम कतई शराब नहीं बोल सकते, जिसको वर्तमान सरकार है जो शराब बोलती है देसी शराब, लेकिन एक्चुअली ऐसा है नहीं है, लेकिन इसको गलत तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, लेकिन ये है फूलों का रस ही है। मतलब एक तरीके से इसको जड़ी बूटी कह सकते हैं, आयुर्वेदिक दवाई कह सकते हैं। आयुर्वेदिक दवाई है ये हमारे लिए। मैंने सुना है नूतन जी कि अगर महुड़ी का लगातार सेवन कर लिया जाए, जैसे 15 या 20 दिन लगातार अगर थोड़ी थोड़ी मात्रा में पी लिया जाए तो फिर आदमी साल भर तक बीमार नहीं होता, ये सही है क्या? एक्चुअली ये बात तो कई हद तक तो सही है, लेकिन लगातार 15 दिन सेवन नहीं करना है इसको। अपन को इसका सेवन महीने में 2 या 3 बार अगर ऐसे अपन करते रहते हैं इस रस का, फूलों के रस का, तो अपना एक इम्यूनिटी पावर है वो बना रहता है, मजबूत होता है इससे, क्योंकि इसमें इम्यूनिटी पावर इतना तगड़ा होता है इस चीज़ से कि इंसान से दूसरी बीमारियां लगना असंभव है। मतलब ये एक प्रकार से एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक है, लेकिन इसको गलत तरीके से पेश किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है वो गलत तरीके से किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। म्यूज़िक संगीत जिसके बिना इंसान के जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। खुशी हो या दुख हो, हर गम हर भाव के अंदर हम लोग म्यूज़िक ज़रूर सुनते हैं। आज हम हैं जिस आदिवासी कबीले के अंदर हमें उनका मुख्य वाद्य यंत्र ढोल है, आइए इसके बारे में ये जानते हैं। हो चार पास चार पांच तरीके की अलग अलग धुनें हाँ, निकाल लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा कौन सा वाद्य यंत्र है और कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो आप इस्तेमाल करते हैं? बीजू हूँ वगड़वानू हूँ अपने ही हूँ तो कुंडली टोल थाले बीजू अपने जे भी वगड़वानू हाँ कुंडली अपुंगला सब। ये क्या बोले? कुंडली आती है ये कुंडली है। अच्छा ये कुंडली है, ये देख रहे हैं आप, ये कुंडली है, ये कुंडी है और बाद में ये थाली, थाली, थाली है, ये थाली है और भुंगड़ी आती है, भुंगड़ी आती है। आदिवासी जो इस ट्राइबल और इस पहाड़ों में जो रहती है तो वो क्या है कि आदिकाल से जो ऐसे वाद्य यंत्र जैसे ढोल, आप पूछ रहे थे कि ढोल किससे बनता, तो ये जैसे सागवान का जो लकड़ा होता बड़ा उसका बना जाता, इस पे जो खाल लगी होती है वो बकरे की होती है।
और एक बात इस साइड वाली शायद बकरी की भी होती है, क्योंकि दोनों तरफ का साउंड इफेक्ट होता है अलग होता है। और इसमें जो इस एक ढोल के अंदर अगर व्यक्ति बजाना चाहे तो शादी से लगाकर दीपावली, होली और चौदेश उसकी ताल पूरी तरह से एक अलग वाद्य यंत्र बजाता है। हर त्यौहार पे अलग अलग धुन रहती है। और धुन अखिलेश कुमार मीणा जी, आप पूर्वी राजस्थान के कबीले से आते हैं और दक्षिणी राजस्थान के कबीले में और यहाँ पर पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं और हमारी वी प्रोडक्शन टीम को भी आपने ही ट्राइबल कल्चर के बारे में जानकारी देने हेतु यहाँ बुलाया है। तो मैं जानना चाहूँगा यहाँ काम करते हुए 10 साल से आप यहाँ के इतिहास के बारे में क्या जाने और आपको यहाँ रहकर यहाँ के लोगों के बारे में क्या महसूस हुआ वो ज़रा आप हमारी टीम को बताएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हमारे जो कबीला है, कबीले में कभी व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमारे कबीले में कभी व्यक्ति महत्वपूर्ण होता ही नहीं है। हमारी कबीले में विचारधाराएँ और हमारे कबीले में हमारे पूर्वज, हमारे पुरखों की जो विचारधारा वो महत्वपूर्ण होती है। तो मैं आपको इसके बारे में मतलब 10 साल का जो नॉलेज है वो इसमें बताता हूँ कि यहाँ पर मैं आया तो आज से 5 या 6 साल पहले परिस्थितियाँ बहुत विषम थी यहाँ पे। मतलब यूँ समझो कि मतलब एक उसको कहेंगे अपन, मतलब यूँ कहेंगे पूंजीपति वर्ग थोड़ा वर्ग है, उसने मतलब शोषण की ऐसा मतलब प्रकाष्ठा यहाँ मतलब क्रिएट की हुई थी कि मतलब लोगों को मतलब उनके विचार, उनकी मतलब वो रखने का मौका ही नहीं मिला। मतलब आदिवासी कबीले अपनी विचारधारा को लोगों के सामने इसलिए पेश नहीं कर पाए क्योंकि जो पूंजीपति लोग थे या अमीर वर्ग के लोग थे वो उनके ऊपर हावी हो गए बुरी तरह से। उन्होंने उसको दबा दिया, उनको दबा दिया जी, जी, है ना जी, बिल्कुल। तो वो उनकी विचारधारा कभी बाहर नहीं निकल पाया, उनका कल्चर कभी बाहर लोगों के सामने नहीं आ पाया, यही आप कहना चाह रहे हैं। जी जी बिल्कुल जी बिल्कुल। ये कहाँ पे लाए हैं नूतन जी आप? हम आपको लाए हैं आसपुर विधानसभा में बेणेश्वर धाम। बेणेश्वर धाम लाए हैं आपको आसपुर विधानसभा जिला डूंगरपुर में। आसपुर विधानसभा जिला डूंगरपुर बेणेश्वर धाम, यहाँ क्या क्या मान्यता है? ये मान्यता है कि आदिवासियों का महाकुंभ है, यानी यहाँ मेला भरता है, आदिवासियों की आस्था से जुड़ा हुआ एक स्थल है जो धूणी है हमारी। अच्छा, धूणी आदिवासियों के जो शुरू से प्राचीन जो धूणी है उससे आस्था से जुड़ा हुआ केंद्र है। केंद्र है जो वाल्मीकि संत हुआ करते थे। चले पूरा आगे। ये तो तीर कमान लगता है मुझे। हाँ, तीर कमान। ये मतलब आपने क्यों पहन ऐसे ले रखा है? वैसे नॉर्मल थोड़ी लेके रखता है? नहीं, नॉर्मल नहीं है, लेकिन ये क्या है कि आमतौर पे आदिवासी चीज़ को रखते हैं। सरकार की तरफ से कोई इस पे प्रतिबंध वगैरह नहीं? सरकार के प्रति आदिवासियों के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है इसमें। अच्छा, किसी भी तरीके नहीं? किसी भी तरीके से नहीं। मैं इसको देख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल देख सकते हो। बचपन में जरूर चलाए हैं लेकिन ये इस तरीके से ना? हाँ बिल्कुल, इस तरह से थ्री फिंगल में इसको पकड़ते हैं। अच्छा, गोपन बांध रखी है मैंने ये साइड में। अच्छा, ये गोपन, ये हाँ। ये इसके बारे में जरूर जानना चाहूँगा। हाँ, ये बड़ा अजीब सा लग रहा है मुझे। बिल्कुल बिल्कुल, इस गोपन का प्रयोग जैसे कोई चीज है, जैसे जानवर आते हैं, शिकारी हाँ। जानवर है उसको भगाने के लिए भी किया जाता है। अच्छा, जैसे बंदर है। अच्छा, और जंगली जानवर है,
या फिर हमें ऐसा लगता है कि हमारे पे कोई आक्रमण हो रहा है या इस चीज़ का हमें डर है, तो उस भय के हिसाब से भी हम इस चीज़ को आत्मरक्षा के लिए, अपने सेल्फ डिफेंस के लिए इस चीज़ का प्रयोग करते हैं। अरे तरीके से बनाया गया है इसको, बिल्कुल देखिए कितना प्यारा लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया है। और बिल है जिन्होंने भी अकबर युद्ध हुआ था उसमें, अकबर युद्ध हल्दीघाटी का जो अकबर युद्ध हुआ था उसमें भी जो राणा पुंजा थे, हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने भी जो महाराणा प्रताप का सहयोग किया था। तो हमारे पास में कोई दूसरा हथियार नहीं थे, हम इसी तरह से हम ये गोपन का प्रयोग करते थे। गोपन का प्रयोग, छापामार पद्धति, हमने सुना है इसके बारे में। तो इस गोपन के हिसाब से हमने उनका सहयोग किया और मुगलों को हम दूर भगाया हमने। क्या बात है, क्या बात है, ये बिल्कुल खास जानकारी मुझे आज पता चली आप लोगों से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। निकिता जी जोहार। जोहार। तो ज्वेलरी वगैरह आभूषण वगैरह पहन रखे हैं और बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं ये आपके ऊपर भी, तो इनके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? हाँ जी, आज हमारे जोहार जेवर हैं, ये हमारे आभूषण है, मतलब हमारे संस्कृति में आवाज जो चांदी न जेवर पहने उन्होंने खूब मान्यता है। आज हमारे शादी विवाह आज जब है आज में चांदी न जेवर साले अधिक सोना सोना न जेवर न अधिकतर प्रयोग नती था। कहने का मतलब ये है कि ये कहना चाह रहे हैं कि जो आदिवासी हैं, यहाँ के जो मूलतः आदिवासी हैं, वो चांदी के ही आभूषण पहनते हैं और इनका जो पुरानी संस्कृति है आदिवासियों में, अपने जो आदिवासी हम जो हैं उनके चांदी के ही प्रयोग करते हैं, बाकी सोने चांदी के आभूषण का प्रयोग नहीं करते हैं, ये बताना चाह रहे हैं। अच्छा, और भी कुछ बताना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, ये जो इसको ये वाग ये हमारी साकली है, ये कड़ा है, ये बंगड़ी है, ये डंग है, और ये जो है ये पैर में पहनने वाला कड़ा और ये पायल है, तोड़ा है ना। और बहुत ही खूबसूरत जेवर हैं, आभूषण हैं जो आपने पहने हुए हैं और बहुत ही अच्छे लग रहे हैं आपके ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अभी हम आदिवासी कबीले की जो प्राचीन डांस परंपरा है जिसे हम गेर कहते हैं, उसका शूट करने वाले थे और ये लोग लगभग सब तैयार हैं, पूरी तैयारी के साथ बैठे थे, लेकिन बारिश लगातार हो रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो हम बस वेट कर रहे हैं कि कब ये बारिश रुके और हम उस डांस फॉर्म जिसे हम गेर कहते हैं उसको हम ले सकें। ये बारिश रुकेगी नहीं रुकेगी यार, डांस फॉर्म देखना है, गेर 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 देखना है मुझे। बारिश थोड़ा कम हुई है तो हम सब लोग तैयार हैं ट्रेडिशनल ट्राइबल डांस फॉर्म गेर को शूट करने के लिए और देखने के लिए। रेडी? और अब आपके सामने आदिवासी महिलाएं ढोल पर होने वाला मड़की डांस, पारंपरिक मड़की डांस पेश करने जा रही हैं, देखिए। बिल्कुल अलग तरीके का ये डांस है। अपने आप फिक्स रखो, अपने आप जाइए। इनको वाओ, रियली अल्टीमेट, गॉर्जियस, अमेजिंग, रियल कल्चर, रियल डांस फॉर्म, रियल म्यूजिक, जस्ट फील इट गाइस, फील इट, वेरी गुड, यस, जय जोहार। हाय फ्रेंड्स, आवर साउथ राजस्थान ट्राइबल जर्नी इज अबाउट टू ओवर। दक्षिणी राजस्थान के आदिवासी कबीलों में घूमकर वहाँ के लोगों की सभ्यता, संस्कृति, उनके कल्चर को नज़दीक से जानकर, यहाँ की खूबसूरती देखकर, यहाँ का नज़ारा देखकर दिल बागबान हो रहा है मेरा। और जैसा कि हमारी जर्नी अब पूरी होने वाली है,
तो मैं नूतन जी आपसे जानना चाहता हूँ कि आदिवासी कबीलों को या यहाँ के कल्चर को किस चीज़ से, किस बात से खतरा है? सबसे पहले तो टीम वी प्रोडक्शन को धन्यवाद, जोहार। सबसे पहला खतरा है कि भाई आधुनिकता, जो आज की दुनिया में जो आधुनिकता हो रही है, आधुनिकता का असर सबसे ज़्यादा ट्राइबल एरिया में पड़ा है, हमारे क्षेत्र में होता है, क्योंकि इंडस्ट्रीज सबसे ज़्यादा ट्राइबल एरिया में इसका इम्प्लीमेंट किया हुआ है, जिस वजह से यहाँ के ट्राइबल लोगों को बहुत सी प्रॉब्लम में झेलनी पड़ रही है, सामना करना पड़ रहा है। किस तरीके से मतलब नुकसान ज़्यादा है, मतलब थोड़ा सा ये बताएंगे? एक्चुअली ऐसा है कि देखो, यहाँ पे हमारे जो जल और जंगल और ज़मीन, तीन मेन हमारी बोले तो हमारी जान, जल जंगल और ज़मीन, जिनको इंडस्ट्रीज आई, उन्होंने हड़पा हमसे, ज़बरदस्ती छीना और उसका खनन किया, पेड़ काटे, पानी दूसरी जगह ले गए, जबकि जो पानी हमारा क्षेत्र का पानी है वो आज हमारे लोगों को ही नहीं मिल रहा है। यही यहाँ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आधुनिकता के नाम पे इंडस्ट्रीज खोली इन्होंने और इंडस्ट्रीज खोल के यहाँ के आदिवासियों को विस्थापित किया। एग्जाम्पल के लिए आपने बहुत सी जगह देखी है इस हिसाब से। अच्छा, जल जंगल जमीन यानी जोहार यानी जीव मात्र का कल्याण करने वाली ये प्रकृति इन पेड़ पौधों से है, नदियों से है, जंगल से है, और जब हम जंगल को काटेंगे, पेड़ पौधों को काटेंगे, ज़मीन को नुकसान पहुंचाएंगे, ज़मीनों पे इमारतें खड़ी करेंगे, तो ना हम पानी का संचय कर पाएंगे, मतलब हम अपनी प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये प्रकृति हमारी माँ है, इसी से हमारा जीवन है, और अगर हम इसी तरह अपनी प्रकृति को नुकसान पहुंचाते रहेंगे तो आने वाले समय में ये पक्का है, इस प्रकृति का विनाश निश्चित है। तो आइए हम प्रकृति की रक्षा करें, और आपको जोहार। और अंतिम में सभी देश के आदिवासी भाइयों को कहना चाहता हूँ कि विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को बड़े धूमधाम से मनाएं। सबको दिल से हार्दिक जोहार, बधाई। जोहार। हे गाइस, आई होप यू मस्ट हैव लाइक द वीडियो, सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। वी आर कमिंग सून विद आवर नेक्स्ट जर्नी। जय जोहार।